स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। सो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। देखेंगे क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके पहले हमने डाउन सिंड्रोम कवर किया था। अगर आपको डाउन सिंड्रोम समझना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखें। तो क्वेश्चन यहां से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो चलिए फिर बढ़ते आगे, देखते हैं आखिर क्या है ये। ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखेंगे हम। तो देखिए, डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इनलार्ज ब्रेस्ट होता है। ब्रेस्ट देख रहे हैं आप कितना इनलार्ज हो गया है। दूसरा है, देखिए, मिनिमल फेशियल एंड बॉडी हेयर। जो फेशियल, जो चेहरे पे जो बाल होते हैं वो कम है, और जो बॉडी के जो हेयर हैं वो भी बहुत कम है, जो कि मेल में होने चाहिए। तो ये चीजें, लक्षण जो है आपको देखने को मिलते हैं डायग्राम में। आप इजिली समझ सकते हो, देखो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले समझिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं। तो ये जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि मेल में होता है। ओके, ये सिर्फ मेल में बहुत ज्यादा देखा जाता है, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, जैसे कि पहले हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, तो वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ऐसा कोई अप्रोप्रिएट नहीं है कि सिर्फ मेल में दिखा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो मेल में दिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इट अकर्स व्हेन अ मेल बेबी इज बॉर्न विथ मोर देन रिक्वायर्ड और एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मेल बेबी है। ओके, मेल बेबी जन्म लेता है, और जैसे कि आपको पता है, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, मेल है फीमेल है, तो मेल का जो क्रोमोजोम है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोजोम क्या है, एक्स वाई होता है, और फीमेल का एक्स एक्स होता है। तो यहां पर बात ये हो रहा है कि अगर इसी में एक्स एक और ऐड हो जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो का पेयर बन गया एक्स का, और यहाँ पे वाई है और यहाँ पे फीमेल है। तो मेल की बात करें, अगर मेल में एक्स जो क्रोमोजोम है ये और ज्यादा ऐड हो जाए तो क्या होगा, जो फिजिकल ट्रेट्स है मेल का वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो वैसा नहीं रहेगा जैसा नॉर्मल इंसान का होता है। तो वहां पर क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। ओके, तो यही केस यहाँ पे होता है। जब कोई बेबी जन्म लेता है तो क्या होता है, एक जो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम है वो ऐड हो जाता है जो मेल में, तो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है। तो इंसान को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होना संभव है अगर इस तरीके का केस हो गया तो। अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज फाउंड इन 1 out of 1000 मेल, मतलब 1000 मेल में सिर्फ एक बंदे को देखा जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसा चांस बहुत रेयर चांसेस है ऐसा होना। सो द अनवांटेड एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एरर इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पर्म और द एग। तो जो एडिशनल, जो अनवांटेड एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम है उसके वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। ओके, सो मोर देन हाफ ऑफ द टाइम द एरर हैपेंस इन द स्पर्म फॉर्मेशन व्हाइल द रिमाइंडर इज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इन द एग डेवलपमेंट। तो एक जो डेवलपमेंट होता है उसमें जब कॉम्प्लिकेशन आता है, जो स्पर्म फॉर्मेशन की बात करें अगर हम, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स विद प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 35 हैव स्लाइटली मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ बेबी विद दिस सिंड्रोम। जैसे कि मैंने डाउन सिंड्रोम में भी बताया था, जो वुमेन 35 साल के बाद कंसीव करने का, 35 साल के बाद जो प्रेग्नेंट होती हैं उनमें ये सिंड्रोम देखने को ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, यहाँ भी सेम चीज़ ही है कि 35 साल के बाद जो वुमेन प्रेगनेंट होती हैं उसमें ये चांसेस देखने को ज़्यादा मिला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। ओके, अब हम सिम्टम्स की बात करेंगे। तो सिम्टम्स देखिए, आप एक डायग्राम में देखिए, उसके लिए बताते हैं आपको सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो कोई भी ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं है मेंस में अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसको है तो। अगर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिस्पर्स्ड हेयर, ओके, वाइड हिप्स जो है वो वाइड हो जाते हैं, ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाता है, ये जो नॉर्मल जो कॉमन देखा गया है वो ये तीन चीज़ें हैं, डिस्पर्स्ड हेयर, वाइड हिप्स, एनलार्ज ब्रेस्ट। ओके, so the testicle in every man stays small while in some the penis does not grow to the adult size। okay, जो testicle होता है वो small हो जाता है और जो penis का जो size है वो grow नहीं होता है, जो कि adult size का होता है। okay, ये problems में हो जाती है Klinefelter syndrome। okay, एक तरीके से देखा जाए तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो एक तरीके से किसकी ओर ढकेलती, जैसे कि आपने वुमेन्स में सुना है कि वो कंसीव नहीं कर सकती, वो माँ नहीं बन सकती, उसी तरीके से मेल में ये प्रॉब्लम रहती है कि जो मेल है हेल्दी मैन नहीं कहला पाएगा। ओके, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ट्रीटमेंट होता है तो बिल्कुल होता है, देख लेते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट है। जैसे कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू, जो ब्रेस्ट है एक्सेस उसको रिमूव कर दिया जाता है, उनका जो टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, सपोर्ट एंड एडुकेशनल इवेल्युएशन भी होता है। ओके,
अगर हम बात करें मेल्स की, तो जो इससे अफेक्टेड हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, उनको क्या दिया जाता है? टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, ताकि जो सेक्सुअल एनहेंसमेंट है उनका वो बढ़े. ओके, अगर जो ट्रीटमेंट है प्यूबर्टी की एज तक अगर ग्रो करना लगे, शुरू हो जाए, तो जो बॉय है वो एक प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट उसका हो सकता है. जो टेस्टोस्टेरोन की जब मैंने बात की, उसको इंजेक्ट किया जाता है एक जेल और स्किन पैच होता है, उससे थोड़ा इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में. अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैन है वो नॉर्मल हेल्दी नहीं होता, सो उसका प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे. तो उसमें जो है कुछ ट्रीटमेंट है, जैसे कि टेस्ट होता है. टेस्ट की मदद से ये जो मैन है वो स्पर्म को तो ग्रो कर सकता है, जैसे कि टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन कहते हैं इसको, अगर वो मेन जो बच्चा चाहता है अगर. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से मेन है वो पिता बन सकते हैं, इस तरीके के केस होते हैं. ओके, चलिए यहाँ पे खत्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है. सो इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें जरूर फॉलो करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी फर्दर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें. वीडियो को शेयर करना ना भूलें. चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.